छात्रों, अब मैं आपको संवाद लेखन के बारे में बता रही हूँ। संवाद माने बातचीत, जब दो लोगों में बातचीत करते हैं उसे हम संवाद कहते हैं। तो आप लोगों को छात्रों फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में संवाद लेखन आएगा और संवाद लेखन के अंतर्गत आपको मंजूषा भी दी जाएगी, अर्थात वाक्य लिखने के बाद में नीचे हम मंजूषा या ऊपर भी दे सकते हैं मंजूषा। तो अब दो लोगों की बातचीत है, मोहन और गिरीश नाम का बच्चा है। मोहन गिरीश से पूछता है, गिरीश तुम पुत्र डैश। गिरीश बोलता है अहम डैश गच्छामि। अब जब गच्छामि है तो और उसकी है कि वो बच्चा जाने के बारे में पूछ रहा है, इसलिए गिरीश तुम पुत्र गच्छसि, इसमें से मंजूषा से आप गच्छसि शब्द लिखेंगे। गिरीश अहम गच्छामि, अब वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर स्थान का नाम क्या लिखा, ग्राम। अहम ग्राम गच्छामि। आगे मोहन बोलता है ग्रामे गांव में कौन रहते हैं, रहते हैं के लिए क्या शब्द दिया हुआ मैंने, निवसंति। क्या दिया है, निवसंति। तो थर्ड नंबर पे निवसंति आएगा छात्रों। उसके बाद में गिरीश बोलता है मेरे डैश पिता भ्राता चा, डैश पिता और भाई वहाँ रहते हैं, तो पिता के साथ कौन रहती है, माँ, इसलिए माता। ठीक है, फिर मोहन पूछता है तत्र विद्यालय अपि, क्या वहाँ विद्यालय भी है के लिए अस्ति। ठीक है, हाँ तत्र विद्यालय अस्ति, हाँ विद्यालय है। छात्रों इस प्रकार आपको इस पत्र की प्रैक्टिस करना है। इस पत्र में आपको तो ये पत्र की प्रैक्टिस करेंगे आप और इसका लिखेंगे छात्रों। ये फर्स्ट नंबर पर आएगा आपका गच्छसि, सेकंड पर आएगा आपका ग्रामम नंबर टू, और ग्रामीण के निवसंति नंबर थ्री, और मेरे माता पिता नंबर फोर, और अस्ति नंबर फाइव। इस प्रकार नंबर दिए रहेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपको मंजूषा की सहायता से ये संवाद पूरा करना है छात्रों, और अभ्यास हेतु भी मैं आपको संवाद भेजूंगी। तब तक आप लोग अपठित गद्यांश और संवाद लेखन का अभ्यास इसी वीडियो के माध्यम से करेंगे। आने नहीं पठन मैंने जो पढ़ा, जो पहले ना पढ़ा होगा उसे अपठित कहते हैं। तो अपठित गद्यांश में हम सबसे पहले अपठित गद्यांश को कम से कम 2 या 3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। प्रश्न पढ़ने के बाद फिर से अपठित गद्यांश पढ़िए और प्रश्न के अनुसार आप वहाँ पेंसिल से टिक भी करते जाइए, जो आंसर जहाँ होगा उसे निशान लगाते जाइए। तो छात्रों मैं आपको अपठित गद्यांश पढ़ती हूँ। यम एका पशुवाटिका अस्ति, पशुवाटिका माने होता है जंतुशाला, चिड़ियाघर। यह एक चिड़ियाघर है या पशुवाटिका है। अत्र पशुवाहा जानवर, पशुवा माने जानवर, खगाहा चा निवसन्ति, जानवर और पक्षी रहते हैं। अत्र सिंहाहा गर्जन्ति, यहाँ शेर गरजता है। वानराहा कूदन्ति, बंदर कूदते हैं। मृगाहा धावन्ति, हिरण दौड़ते हैं। गजाहा शनै शनै चलति, हाथी धीरे धीरे चलता है। खगाहा वृक्षे कूजन्ति, और पक्षी पेड़ पर चहक रहे हैं या कूज रहे हैं। तो छात्रों क्वेश्चन है इयम एका का, संस्कृत में जरूर देखना है कि प्रश्न के शब्दों को मिलाना है। इयम शब्द कहाँ है, यहाँ पर लिखा है, तो आंसर फिर आपको इसी लाइन में मिलेगा। तो पशुवाटिका आंसर क्या होगा, इयम का अस्ति, इयम पशुवाटिका अस्ति। तो क्या होगा आंसर, पशुवाटिका क्या होगा छात्रों, आंसर क्या होगा, पशुवाटिका। ठीक है, आगे है अत्र के गर्जन्ति, यहाँ कौन गरज रहे हैं, है ना। गर्जन्ति शब्द कहाँ है, क्रिया शब्द है ना,
ये गर्जन्ति ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, सिंहा गर्जन्ति। अब पूर्ण वाक्य में आपको पूरा पूरा लिखना है, यानी गजा कथम चलन्ति, तो आपको लिखना पड़ेगा गजाः शनैः शनैः चलन्ति। ये इस पूर्ण वाक्य का आंसर होगा छात्र, पूर्ण वाक्य में फुल आंसर लिखते हैं। उसके बाद में अभाषिक कार्य मतलब व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे छात्रों। तो संति पदस्य एक वचनम किम, आपको मालूम ही है अष्टधातु के रूप, तो अष्ट में संति का एक वचन अस्ति होता है, और ये दोनों गलत होंगे, ये सही होगा अस्ति। अब अगला है छात्रों, आपको एक और भाषिक कार्य व्याकरण का प्रश्न है, गजाः पदस्य लिंगम, हाथी का लिंग क्या है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो सकता, आपको मालूम है ये हाथी जो है पुल्लिंग ही होता है, ये दोनों गलत होंगे, पुल्लिंग सही होगा। तो छात्रों इस प्रकार आपको परीक्षा में अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे, आप उनका आंसर इसी प्रकार लिखेंगे। अभ्यास हेतु मैं आपको गूगल क्लासरूम में एक अपठित अवश्य दूंगी, उसे आप हल करेंगे। धन्यवाद।